नमस्कार दोस्तों, आप लोग स्वागत में चल में। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, सूरज धरती से कितनी दूरी पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 151.40 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट हो जाएगा, सूरज संसार से कितना बड़ा है? दोस्तों दुनिया से कितना बड़ा है, यानी कि पृथ्वी से। तो राइट आंसर होगा 6,96,340 किलोमीटर पृथ्वी से बड़ा है। नेक्स्ट है, सूरज चंद्रमा से कितनी दूरी पर है? दोनों की कितनी दूरी है? तो 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी दोनों पर है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सूरज की किरणें को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8.40 मिनट लगता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, सूर्य की किरणें कितनी किरणें होती है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, सूरज की 7 किरणें होती है। और चैनल में पहले प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, सूरज की आयु कितनी है? दोस्तों वैज्ञानिकों ने कितनी इसकी आयु अनुमानित किया है? तो राइट आंसर होगा 4.603E9 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रात में सूर्य कहाँ चला जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सूरज कहीं नहीं जाता है, बस पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। तो दोस्तों आठवां क्वेश्चन हो जाएगा, दुनिया में सूरज सबसे पहले कहाँ उगता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, किरीबाती द्वीप में सबसे पहले सूरज उगता है। दोस्तों नौवां क्वेश्चन हो जाएगा, डूबता सूरज किस देश को कहा जाता है? दोस्तों किस देश को डूबता हुआ सूरज का देश कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा, नॉर्वे देश को डूबता हुआ सूरज का देश कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दसवां, आखिरी, भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ उगता है, यानी कि किस राज्य में उगता है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दें अभी तक नहीं किया तो, और चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं वीडियो तक के लिए, टेक केयर।